यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। जिंदगी की एक बहुत ही शक्तिशाली पावर है नफरत। हमारी लड़ाई उस नफरत से है और उस नफरत की विचारधारा से है जो आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जिस नफरत की जहर को लोग फैला रहे हैं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आज अगर हम हिंदुस्तान की जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, हमारा यही खासियत है कि अपना स्वतंत्रता, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए भी हम सब मिले जुले हैं। पर कुछ लोग, कुछ सोच इस विचारधारा के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जो लोगों को टुकड़ा टुकड़ा चाहते हैं, भाइयों में विरोध पैदा करना चाहते हैं। आज ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी सोच, जो सोच गौतम बुद्ध की मैत्री और करुणा की भावना से प्रभावित है, जो बोलते हैं कि यही है मैत्री, जो इंसान की जो बेसिक रिलेशनशिप है उसकी मूलभूत है। मध्य युग में एक शहंशाह अकबर दिल की इलाही के माध्यम से हर धर्म में जो सच्चाई है उसको खोजने की तलाश की। ये है हमारी सोच। महात्मा गांधी जो अहिंसा सत्याग्रह को दो हथियार बना के उस जमाने की सबसे जो ज्यादा सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट पावर ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ाई की है, वो है हमारी सोच। हमारी सोच है भारतीय संविधान में जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक अधिकार, समान अधिकार देते हैं, भाईचारा का साथ रहने का अधिकार देते हैं। पर आज हिंदुस्तान की ये जो मूल सोच है, ये जो विचारधारा है, ये आज खतरे में है। आज हम देख रहे हैं किसी तरह किस तरह से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों को कुचला जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथियां मौजूद हैं, जेएनयू से हैं बहुत सारे। मैं खुद जेएनयू से हूँ और गर्व से कहती हूँ मैं जेएनयू से हूँ। हम जब वहां पढ़ते थे हमें ये बताया जाता था कि हर सोच, हर विचारधारा, हर थ्योरी सवाल करो, क्वेश्चन करो, कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। लेकिन आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सच है, अगर हमारे खिलाफ कोई भी कोई आवाज उठाएगा तो वो देशद्रोही है। जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन को एंटी नेशनल कहा जाता है, एक मजाक की बात है। आज हम जानना चाहेंगे उन लोगों से कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, एक सतरंगी संस्कृति है, उसको मिटाकर अगर एक रंग में वो रंगना चाहते हैं तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जेएनयू जैसे जगह से जो हिंदुस्तान की राजधानी में प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां से एक लड़का, एक स्टूडेंट रातों रात गायब हो गए। कहां गए, कहां गए वो? हम जानना चाहेंगे सरकार से क्या इस देश में कि हिंदुस्तान की राजधानी में जंगल राज है, यहां से रातों रात कोई गायब हो जाते हैं उसके बाद कोई पता नहीं चलता, सारे एविडेंस के बावजूद भी कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कहां गए वो रूल ऑफ लॉ, कहां गए वो संविधान जिस पर हर व्यक्ति के समान अधिकार है, हर व्यक्ति के समान अधिकार है, ये अधिकार है न्याय के लिए लड़ने के लिए। दो साल हो गए हैं, कहां है नाजी? उनकी मां न्याय के
युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस मतभेद को डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से सुलझाना चाहिए। वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे कौन से विचारधारा, ऐसे कौन से नफरत कुछ यंग लोगों के दिमाग में ऐसे घुसाए जा रहे हैं जो अपने भाई को मार रहे हैं? आज इस मन से फातिमा जी को, राधिका जी को और जो हिंदुस्तान में जितने सारे माताएं हैं जो अपना बेटा को खो बैठे हैं, उन सब को हम बताना चाहेंगे। खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से नहीं, एक नारी होने की वजह से, एक महिला होने की वजह से, हिंदुस्तान की एक आम नागरिक होने के नाते से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आपका साथ हैं। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, हम आपका साथ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। और देश में इस तरह की नफरत की राजनीति, इस तरह की भेदभाव की राजनीति जब तक खत्म नहीं होगा, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।